जी बिजनेस की मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। डब्बा ट्रेडिंग मामले में आज मुंबई पुलिस ने गुजरात के सूरत से एक और सब ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पांडे। सौरभ बताएं क्या ये जो जी बिजनेस, जी जी हाँ बताएं सौरभ क्या है पूरी खबर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जी बिजनेस की मुहिम रही है फर्जी शेयर बाजार यानी कि डब्बा ट्रेडिंग को लेकर कि किस तरह से जो है आम निवेशकों को फ्रॉड से बचाया जा सके, उसी कड़ी में जो है एक कदम और बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस ने जो है इस केस में जो है एक बड़ी पॉइंट क्रैक करी है और जो है छठी गिरफ्तारी जो है इस केस में की। आपको बता दें इस शख्स का नाम जो है वो भूपेन बाबू भाई नाम से बताया जा रहा है और ये व्यक्ति जो है करीब 3% का कमीशन लेता था, जो कि ऐप पर ट्रेड करते हुए जो है 3% कमीशन लेता था। इसके अलावा जी बिजनेस ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि इस केस के जो तार हैं वो मुंबई के बाहर भी जुड़े हुए हैं और इसी कड़ी में जो है अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के सूरत से जो है इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है। अब जो है मुंबई पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है, उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने इस मूडी नाम के एक एप्लीकेशन को बनाया था और इसको पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो देता था। और मुंबई पुलिस जो है सबसे ज्यादा जो है ये देख रही है कि किस तरह से जो है करीब 3 महीने के अंदर 4,600 करोड़ का जो है फर्जी शेयर बाजार का टर्नओवर जो है इस मार्केट को किस तरह से खड़ा किया, ये पूरा पैटर्न समझ रही है और किन किन लोगों के हाथ है और ये जो सर्विसेज है ये कहाँ तक दी जाती थी या क्या सिर्फ ये सर्विसेज जो है कुछ ही राज्यों में है या फिर इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और से जो है इस जो है पूरे फर्जी शेयर बाजार को जो है वो ऑपरेट करता था, ये पूरा सिलसिला जो है अब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और देख रही है कि किस तरह से जो है आगे इस कड़ी में जो है वो जो है गुनहगारों को पकड़ा जाए और उन्हें सही तरीके से जो है सजा दिलाया जा सके। इसके अलावा जी बिजनेस ने समय समय से जो है मुहिम चलाई है कि किस तरह से जो आम निवेशक हैं उसको किस तरह से जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस किया जा सके कि सही तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जो भी जो है किसी भी तरह की गारंटी रिटर्न देता है वो सारी चीजों से जो है बच कर रहे और जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सोचकर और समझकर निवेश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण खबर और सौरभ की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। इसमें आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।